और एयरपोर्ट के करीब दो डाकुओं ने जर्मन सयाह को लूट लिया। उसकी साइकिल भी ले गए। वो वैसे डकैती की तरह डकैती की है। डॉल्फिन को मदद के लिए कहा तो उन्होंने डॉलर मांग लिए। मेहमान नवाजी हम बढ़ चढ़ के करते हैं। ये कोई डाउट नहीं कर सकता, ये कोई डाउट नहीं कर सकता। हमें कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे वहाँ भी होता है यहाँ भी हो गया, कुछ नहीं होता। कैसे हंस रहा है, धान निकाल रहा है, जहाज बना हुआ है। He wept the backpack and just the camera inside. तो यह कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मेहमान नवाजी के लिए हमें माना जाता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते हम मेहमानों का बड़ा ख्याल करते हैं। मेहमान नवाज नहीं है, हम चोर डकैत बन रहे हैं कि हम जो है ना पंजाब के मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र ये ऐसा होता रहा ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। फिर लोग क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली टूरिज्म भी अंडा हो जाएगा। बात ये है कि पूरी दुनिया में ना ऐसे गंदे अंडे जो है ना चंद होते हैं जो कि पूरी कौम को बदनाम करने के दर पे होते हैं। इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर। कोई ठूक 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 ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ इंतहाई दुख की बात है। अब आपको तो लाहौरियों का पता ही है, लाहौरियों के मतलब ये कहते भाई ये कौन सा टाइम है सोने का। तो डकैत आते हैं भाईजान गन पॉइंट के साथ, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं आला आला करके। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और फिर ये हुआ कि इनका मोबाइल, इनके पास जो कैश था, इनके पास जो थोड़ा बहुत इनका सामान था, जाहिर है साइकिल पे कितना कोई सामान लेके आए होंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो सारा सामान लेकर और लाहौरिये यानी कि लाहौर के जो भी वो डाकू थे या आम लोग थे, वैसे तो आम लोग भी कोई डाकुओं से कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर डाकू बताए जा रहे हैं। अब वो जी चंपक हो गए यानी कि वो चले। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जिससे पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हो रहा है, जैसे कि आप सब तो जानते ही हैं कि पाकिस्तानी विदेशों में जाकर कई इलीगल यानी कि गैर कानूनी काम में शामिल होते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर कोई और कंट्री क्यों ना हो, ये जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर गलत ही काम करते हैं। और अब इन देशों में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक मूवमेंट तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन पाकिस्तानियों से अब अरब देश भी, जो कि इनका मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, अब वो भी इनसे परेशान हो चुके हैं। यानी पाकिस्तानी जो बाहर जाकर जाहिलियत फैलाते हैं उससे तो पाकिस्तान का नाम तो बदनाम हो ही रहा है, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है जिससे हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानियों ने एक जर्मन नागरिक टूरिस्ट के साथ जो किया है उससे पाकिस्तान का नाम और भी ज्यादा बदनाम हो चुका है। और ये न्यूज पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर डिस्कशन कर रही है कि आखिर पाकिस्तानी ऐसा क्यों है और ऐसा काम करते क्यों है जिससे पाकिस्तान देश का नाम खराब हो। तो चलिए इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वो गए हैं डॉल्फिन के पास, पुलिस के पास गए हैं कि भाई मेरी हेल्प करो। आपने ये न्यूज भी सुनी है कि डॉल्फिन ने कहा कि भाई मुझे नकदी कुछ दो, डॉलर्स में दो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। पुलिस हमारा ये मैसेज दे रही दुनिया को। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। बिल्कुल, आपको पता ही है जो हमारे मुल्क का हाल है, अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं हम बड़े जो है ना वो खुशामदीद करते हैं लोगों को, हम बड़ा प्यार देते हैं लोगों को, तो ये बताएं ये वाला प्यार देते हैं हम लोगों को? ये प्यार मिल गया ना वो आगे से नहीं आएगा। हम जो है ना वो मजबूर है क्योंकि यहाँ पे गुर्बत है, बेरोजगारी है। अब बिलों का देख लें आप जो हाल है, इतने इतने बिल हैं, और हर इंसान जो नहीं भी करना चाहता चोरी वो भी इस पे मजबूर है। जब आप मजबूर होंगे तब आप भी डाके डालेंगे क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये किस तरह का इमेज हम दिखा रहे हैं लाहौर का, पाकिस्तान का, और किस तरह का इमेज जाएगा दुनिया में ये वीडियो जाने के बाद? पुलिस को काम करना चाहिए कि पुलिस एक्टिव रहे। भाई पुलिस की बात भी बताता हूँ, वो बंदा पुलिस के पास जाता, पुलिस कहता नगदी दो, तो कोई डॉलर्स में दो यार, हमें भी हम फिर आपकी हेल्प करेंगे। ये तो निजाम है कानून का, ये तो निजाम है इंसाफ का, दिल दुखता है। ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पुलिस पे डंडा रखे। दिमाग हमारे ना बंजर। वीडियो वायरल होगी दुनिया में, इंडिया जाएगी, उसके बाद दुनिया पूरी। आप बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी नहीं आएगा, वो तो बल्कि ये देख के कोशिश करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हुई भी है उन लोगों को भी वापस निकालना है यहाँ से। क्या ये काम करना जायज है? अगर आपके बिल वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चोरियों पर, डाकुओं पर, लूटने पर आ जाएंगे? हाँ भाई हाँ। देखे हर इंसान है, अब भूखा तो नहीं मरना।
किसी ना किसी ने तो ये मतलब कि ये निजाम चलाना ही है। आगे बढ़ते हैं, कैसे देखते हैं कि यूएई ने भी हमारे वीजे बंद किए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वीजा टूरिस्ट जाते हैं वहां पर, आप देखेंगे लाखों के हिसाब से डेली अंग्रेज विजिट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर गिना चुना एक अंग्रेज आता तो उसको भी हम जीने नहीं दे रहे। यही तो कयामत है। टूरिज्म के हिसाब से खाली यूएई नहीं है, और भी स्पॉट्स हैं, जिस तरह मालदीव्स हो गया या थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया, वो भी वहाँ पे भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी है ना, मेरे ख्याल से वो उसके कंपेयरेंस में और कोई कंट्री शायद नहीं है। तुम्हारे जो दिमाग की ब्यूटी है ना, वो तो सबको पता है कितनी गंद भरी हुई है, बदबूदार। नहीं लगता नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों के अखलाक की ब्यूटी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ये जो हालात है, बाहर से आने वाला आदमी को तो सिक्योर महसूस करेगा कि जो फॉरेनर है कि यार यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, वो तो कभी वो आने की सोचेगा भी नहीं। और जो यहाँ से होके गया है वो तो कहेगा भाई तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने नाउज़ुबिल्ला तौबा तौबा, मैंने ना ट्रैवल ही करना उस जगह पे, तो सब कुछ बस अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है। ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया है, ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि चले जो भी हुआ खैर छोड़े, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारी कंट्री में अगर आता है ना तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अजीब लोग है ना ये, तो ये हुआ है जी इनके साथ। और उसके बाद हम कहते हैं कि आइए जी आइए पाकिस्तान घूमने आइए, यहाँ पर आपको बड़ी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए। टूरिज्म को जी हम प्रोमोट कर रहे हैं, जी हाँ ये है जो हमारी टूरिज्म प्रोमोट हो रही है। ये तो शुक्र करें कि ये TLP या कोई TTP या कोई ये पी वो पी वो पी के हत्ते नहीं चढ़ गए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो एयरपोर्ट के पास जहाँ पर इतने ज्यादा CCTV कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस हमारे डाकुओं में है कैसे? कॉन्फिडेंस हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह है ही बहुत है, वो तो यह वैसे ही चलते को लूट लेते हैं, ये तो बेचारा सोया हुआ था सोए को लूट लिया इन्होंने। अब आपको पता है पीछे अभी टीम ने हमारी ने आना था तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें कुछ स्कूटी का बताएं कि स्कूटी हमें हमारे लिए क्या होगा या क्या, वो हम उसको उनको क्या मुँह दिखाएंगे कि हमारे पहले यहाँ अंग्रेज़ों को लूटा जा रहा है